नवंबर से अल्हम्दुलिल्लाह इसको स्टार्ट लिया। काफ़ी चैलेंजेस रहे सर, सीनियर्स की गाइडेंस थी अल्हम्दुलिल्लाह, उनके साथ में रहते हुए हमने वो चैलेंजेस सारे पूरे किए, कुछ एक्साइटमेंट्स भी रहीं। आज हम इस ऐसी पोजीशन पर हैं, हम ये कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कराची चैप्टर पाकिस्तान फ्यूचर सोसाइटी ने वो काम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि इससे पहले बाकी किसी चैप्टर की तरफ से बशक हुए, बट हमने इसको सोसाइटी के लिए मज़ीद काम करके दिए ताकि बाकी आने वाले लोग उन चीज़ों को मज़ीद आगे लेके चलें। वो सिंपल चीज़ों से हट के हमने थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करी, ऐसे माहौल में हमने सोचने की कोशिश करी जहाँ पर इकोनॉमिकल सिचुएशन काफ़ी टफ रही। मैं तमाम एग्जीबिटर्स का अपने तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैंने एग्जीबिटर्स को और तमाम सीनियर को, हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रेसिडेंट साहब को, हमारे चेयरमैन साहब दुशान अहमद सिद्दीकी साहब को, हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को पूरी, कि उन्होंने हर वक्त हमारा साथ रखा और इस तमाम कारवां को सजा के रखा। अल्लाह ताला ने हमारे इस ब्रांड को, जो कि हमारे सीनियर्स ने इतनी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचाया कि आज हम 28वीं एग्जीबिशन कर रहे हैं। हमने मोर देन 150 एग्जीबिटर्स को, कंपनीज़ को यहाँ पर स्टॉल ऑफ़र किए, वो यहाँ पर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें 50 के करीब इंटरनेशनल हैं, जो कि हमारे इवेंट मैनेजर की तरफ से काफ़ी अच्छी कोशिश रही और उन्होंने चाइनीज़ डेलीगेट को यहाँ लेकर आए और एक चाइनीज़ पवेलियन हमने यहाँ पर रखा। फिर मेड इन पाकिस्तान का पवेलियन हमने यहाँ पर रखा है ताकि लोकल मैन्युफैक्चरर्स और असम्बलर्स को वो तशहीर मिल सके, वो उनको एक अप्रोच मिल सके जो कि इंटरनेशनल, जैसे कि हमने एग्जीबिशन्स में देखते हैं उस तरह की चीज़ मिले। हमारी जो एस्ट्रो पाकिस्तान चैप्टर की टीम है, जिसके प्रेसिडेंट उमर खान साहब हैं, उनका इसमें शुक्रिया अदा करता हूँ। फारूक महबूब साहब का, अब्बास अली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, खालिद मंसूर साहब का शुक्रगुजार हूँ मैं इसमें, कि जो कि कॉन्फ्रेंस कन्वीनियर हैं, जिन्होंने एक इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस यहाँ पर मुनक्किद करवाई, ना सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी। आज थर्ड डे, लास्ट डे, जिसके अंदर स्टूडेंट्स से ही रिलेटेड इस वक्त कॉन्फ्रेंस चल रही है, उनके मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, कॉलेजेस को, टीचर्स को, सबको यहाँ पर इनवाइट किया गया है। टेक्निकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी यहाँ अभी मौजूद हैं। इसमें अयाज साहब का बहुत बड़ा रोल है, जो कि स्टूडेंट कन्वीनियर हैं इस एक्सपो के लिए और कॉन्फ्रेंस के लिए। इसमें तमाम तर जितनी भी कोशिशें रहीं, वो पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हमारी रही अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मीडिया टीम रही, निशान साहब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, एग्जीबिटर टीवीज़ वालों को बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फिर आईबीस कम्युनिकेशन वाले, जो कि हमारे पीयर कंसल्टेंट हैं, उन्होंने जो है हमारा सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो फुटफॉल रहा, और हमारे ये 28 एडिशन होने के बाद हमारे सामने एक नया फुटफॉल हमने यहाँ देखा कि जो लीडिंग कंसल्टेंट्स और जो मेन एक जो कहना चाहिए विजिटर्स जो होने चाहिए इंडस्ट्रियलिस्ट, वो यहाँ आए। और मेरे पास अभी प्रॉपर स्टैट्स तो फाइनल नहीं है, बट दो दिन का स्टैट्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास अराउंड मोर देन 8,000 to 10 इन बिटवीन विजिटर्स यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ पर तमाम एग्जीबिशन को, कॉन्फ्रेंस को, सबको देखा।